हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रहमान रईस। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नाज़रीन। मैं आज आपके लिए एक स्टेयरिंग लेके आया हूँ जिसके अंदर पानी गया हुआ था। ये देखें, ये पानी निकल रहा है। तो आज हम इसको खोलेंगे और इसकी ग्रीसिंग करेंगे और साथ में इसको रिपेयरिंग भी करेंगे। कस्टमर कह रहा था कि स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, जिसकी वजह से जो है ना इसके अंदर मसला आ रहा था। तो कस्टमर कहता है मैंने इसका काम करवाया हुआ है। तो मैंने कहा भाईजान, जब गाड़ी खुलेगी तो तब पता लगेगा कि इसके अंदर काम आपने क्या करवाया हुआ। तो जब हमने गाड़ी खोली है तो इसमें से पानी निकला है। तो ये इनको स्टीयरिंग गोलियां कहते हैं। तो आज हम ये स्टीयरिंग गोलियां खोल रहे हैं। तो तो अच्छे तरीके से फिटिंग और सफाई इसकी लाजमी किया करें, अंदर से भी और बाहर से भी। क्योंकि जब हमने इसको खोला तो इसके अंदर ग्रीसिंग बिल्कुल जाम हुई हुई थी, डंपर वगैरह सारा टाइट हुआ हुआ था। तो इसलिए अब जब हमने उसको खोल रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मसला हो गया था पानी जाने की वजह से। तो लिहाजा पानी का जो उनसा है ना, जब भी इसके स्टीयरिंग कंगी का कोई बूट फट जाए या गोडे का बूट फट जाए, तो आपका काम है कि आप उसको जो उनसा है ना लाजमी गोडे का बूट उसी टाइम डलवाएं, स्टीयरिंग कंगी का बूट उसी टाइम डलवाएं, ताकि आपके लिए आसानी हो और गाड़ी को नुकसान कोई ना हो। तो नाज़रीन, अगर जी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बाकी आप आगे देखें, इंशाल्लाह ताला आपको हम पूरी तफसील से बताएंगे कि कैसे स्टीयरिंग कंगी खोली है और ये कैसे फिटिंग हो रही है। ये देखें, ये आपके सामने ही है। और इसका जो सा क्रॉस का बैरिंग है ना, वो लाजमी चेक कर लिया करें, क्योंकि बाज़ू का तो ऐसा होता है कि इसका क्रॉस का बैरिंग जो सा होता है वो ख़राब होता है। तो इसलिए जो सा ना स्टीयरिंग के अंदर प्ले आ जाती है। तो हमने इसका डंपर का बुश चेक किया है, डंपर भी सही, उसका बुश भी रिपेयर कर रहे हैं। और अब हमने इसका ये जो साइड का राड का कालम का बुश होता है वो भी हमने सारा सेट कर दिया है। स्टीयरिंग बूट हमने देखे हैं, लीकेज कोई नहीं थी, लेकिन वो क्लंप ना लगे होने की वजह से पानी अंदर गया था। तो बाकी अब हम ये देखें, इसको ग्रीसिंग कर रहे हैं। ग्रीसिंग करके इसको अच्छे तरीके से जो सा है फिटिंग करेंगे।